पीपीटी दिख रहा है? अच्छा नहीं सर, नो सर, नहीं दिख रही है। आपको टाइम लगता हो कई बार, यस सर लगता है कि दिख दिख रहा है? रही, दिख गई। यस सर आई। यस सर। दिख गया? चलो गुड। तो ऐसे पेपर सबसे पहले तो देखते हैं कि ऐसे पेपर की इम्पोर्टेंस क्या है भाई। जो ऐसे का सिलेबस है आपका, उसमें यूपीएससी ने आपको कुछ गाइडलाइन दे रखी है भाई, यूं ही हवा में नहीं करना है आपको, इस तरह से ऐसे लिखिए। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे का पैटर्न डिस्कस किया था हमने पहले, तो रहे होंगे शायद उसमें। ऐसे का पेपर क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, इसके नंबर जुड़ते हैं आपके। और जस्ट वन मिनट, दो ऐसे लिखने होते हैं आपको 3 आवर्स के टाइम में, दो ऐसे लिखने होते हैं, 125 मार्क्स ईच का ये पेपर होता है। एंड दोनों पेपर मिला के, दोनों ऐसे मिला के 250 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा। 1000 to 1200 आप वर्ड्स लिखते हैं, अबाउट 1000 to 1200 वर्ड्स। अबाउट मतलब होता है कि आप 10% प्लस माइनस कर सकते हैं नॉर्मली, तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी के बजाय। और सेकंडली, नेचुरली बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो आप क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करेंगे, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि 1200 शब्दों से पहले ही हम अपने आप को समेट लें अच्छे से। अब हम देख रहे हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, यूपीएससी क्या बोल रही है। तो पहला पॉइंट है, कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, उसके बिल्कुल क्लोज रहिए, उससे सटे रहिए, उससे बाहर मत जाइए। लीस्ट डेविएशंस मतलब उससे बाहर कम से कम जाएं। तो जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था, ये चीज हम बाकी पेपर्स में भी लागू होता है कि कौन बताएगा भाई, पेरीमीटर वाला कंसेप्ट, हमने सर्कल और पेरीमीटर वाला कंसेप्ट बताया था आपको क्लास में, कि आपको क्वेश्चन समझना है, उसका पेरीमीटर समझना है, उस हिसाब से आंसर देना है। आप इसको बताना चाहेगा क्या कंसेप्ट था वो, जो पहले तो क्लास सर में रहा हो? इम्पोर्टेंट पहले अपना नाम बता दिया करिए। अंकित कुमार हाँ, बस नाम बताइए और चालू हो जाया करिए, बोलिए। कोई कोई टॉपिक है उसके सराउंडिंग ही निकला है, उससे मतलब एक्स्ट्रा पैरामीटर से एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं जाना है। अगर कोई पैरामीटर में एक दो दो पॉइंट छूट भी जाए तो चल सकता है, लेकिन पैरामीटर से बाहर नहीं जाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए, पहले आपको टॉपिक को समझना है कि टॉपिक चाह क्या रहा है। टॉपिक को समझने के तरीके में डील करेंगे हम, किस तरह के टॉपिक को समझते हैं। इसके बाद आपको ये समझ लेना है कि जो रिक्वायरमेंट है टॉपिक की, जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, उस पेरीमीटर से, उस सरकमफ्रेंस से आपको बिल्कुल भी गलती से भी बाहर नहीं जाना है। अंदर के 2-4 पॉइंट छूट जाए तो कोई बहुत ब्लंडर नहीं है, पर बाहर का एक भी पॉइंट जुड़ा यदि, तो एग्जामिनर को, यूपीएससी को ये सोचने का पर्याप्त मौका देगा कि बंदे को टॉपिक ही समझ में नहीं आया है। तो फिर आपकी वो, यदि आपने ब्लंडर जीएस में किया है, तो आपके बाकी क्वेश्चन को भी शक की निगाह से देखेगा, और यदि आपने ऐसे में किया है तो नेचुरल नंबर बहुत कम हो जाएंगे। वर्षा बेटा, क्या रिपीट कर दोगे, क्या समझाया अभी सबको जल्दी से? इतना टाइम क्यों लग रहा है वर्षा को? हाँ सर, वो आपकी आवाज कट कट के आ रही थी और जो बता रहे थे उनकी भी आवाज कट रही थी, इसलिए क्लियर हम सुन नहीं पाए हैं। अच्छा, क्या ये सबके साथ प्रॉब्लम है? सुप्रिया, आप सुन पाई?
अनम्यूट क्या करिए सर? जल्दी से। हाँ आप सुनाई पड़ा क्या बोला मैंने अभी? सर जल्दी से आपको बता क्या आने अभी, क्या रिक्वायरमेंट यूपीएस करना है आपको। पहले उस टॉपिक को समझेंगे और उसमें से इनर टॉपिक को अगर कोई छूट जाती नहीं। तो भी कोई नहीं, एक बच्चे को रुक चाहते रुक के हैं, कभी रुक रुक के आती है। मतलब हम चाहते हैं हर बच्चा हमारा टॉपर लिस्ट में आए, हर बच्चे का नाम लिस्ट में हो, है ना। ये तभी होगा जब आप कॉपरेट करेंगे, सिंसियर होंगे, वीडियो ऑन करेंगे, तुरंत जवाब देंगे, जो नहीं बस समय में आएगा उसको पूछेंगे, अदरवाइज कैसे काम चलेगा फिर, है ना। तो पहली रिक्वायरमेंट यूपीएससी की है कि पेरीमीटर से बाहर आप बिल्कुल गलती से भी ना जाए, अंदर के कारपेंट छूट जाए तो छूट जाए, उस गिवन टाइम लिमिट में आपकी काबिलियत के आधार पर जितने पॉइंट आप जोड़ सकते हैं कवर कर सकते हैं कर लीजिए, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। अच्छा आप नेक्स्ट पॉइंट जैसे बढ़ रहा हूँ ना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जैसे अब नेक्स्ट पॉइंट जैसे बढ़ा मैं क्या अगला पॉइंट, तो यदि किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, उस पॉइंट पे डाउट है पहले वाला पॉइंट, या कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, देन एंड देयर अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए, ठीक है। देन एंड देयर अनम्यूट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला पॉइंट जब कर लूंगा तब पहले पॉइंट का पूछेंगे तो क्या होगा, लिंकेज में थोड़ा सा दिक्कत जाएगी आपको भी और बाकी पार्टिसिपेंट्स को, ठीक। तो अगले पॉइंट पे बढ़ जाए अपन। सेकंड पॉइंट है जो यूपीएससी आपसे चाहती है कि देखो भाई ऐसे आप लिख तो रहे हो पर नंबर मिलेंगे तब जब मेरी बात मानोगे। तो दूसरी बात उसकी ये है कि अरेंज आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन, आपके आइडियाज तो ऐसे में बता ही रहे हैं आप, जीएस के बाकी सारे पेपर से ऐसे पेपर इस मामले में काफी अलग है, यही वो पेपर है जहां पर आप अपनी थॉट्स के कैनवास को उड़ान दे सकते हैं, जो जो मन में आ रहा है, जो भी आपके टॉपिक में फिट कर सकते हैं बिल्कुल फिट करिए, बढ़िया शानदार लैंग्वेज में एक्सप्रेस करिए अपने आप को, एंजॉय करेंगे क्या ऐसे लिखा है मैंने, क्या बात लिख दी है मैंने, क्योंकि तो जीएस में तो 150 शब्दों में और 250 शब्दों में आप ये काम कर नहीं पाएंगे। तो यूपीएससी इस पे आपकी इस चीज पे थोड़ा लगाम लगाना चाह रही है, वो बोल रही है कि लिखो बिल्कुल लिखो, कैनवास ओपन है ऐसे इसीलिए है, बट यू नीड टू अरेंज आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन, एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए आपके लिखने का ऐसे में। और जब मैं ऑर्डर बोल रहा हूं इसका मतलब है कि जो भी लॉजिक आप सोच रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा यूपीएससी ऐसे ही लिखो, आप जो भी जिस जिस वे में जिस सीक्वेंस में जिस क्रम में लिखना चाहें बिल्कुल लिखिए, बस आपका कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि ऑर्डरली फैशन में एक सुव्यवस्थित क्रम से आपने चीजों को पेश किया है। इसका मतलब है जैसे मैंने आगे लिखा है, एक प्लान स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, हैफाजल नहीं, पहले ये याद आया तो ये लिख दिया, बाद में लिखते लिखते आपको ये याद आया तो आपने ये भी जोड़ दिया, तो वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा क्या है आगे, बताओ हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो आप लोग, बताओ जल्दी से क्या है आगे, कहीं का भानुमति ईंट ने कहीं का कुंभ रोड़ा। जोड़ा, कन्हा जोड़ा। बिल्कुल सही, तो भानुमति नहीं बनना है अपने को, साहिल जिस तरह बता रहे हैं है ना, तो भानुमति नहीं बनना है अपने को, कुनबा नहीं जोड़ना है अपने को, पहले जो तरीका बताएंगे प्लान करना है अपने ऐसे को और आइडियाज को आपके बिल्कुल ऑर्डरली फैशन में सिस्टमेटिक बड़े स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, मजा आ जाए पढ़ने में एग्जामिनर को, ऐसा कर। अब इसके लिए देखो बेसिक बता दे रहा हूं मैं यहाँ पर, बाकी चीजें हम जब डिटेल करेंगे तब करेंगे, कि जैसा मैंने पहले कहा कि टॉपिक समझ गए आप अच्छे से, है ना। अब जब टॉपिक समझ गए, अच्छा टॉपिक का एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा टॉपिक, क्लास 6 में आज ही मैं किसी रेफरेंस में देख रहा था, तो क्लास 6 की इंग्लिश की बुक में ये पोयम है भाई। अब 6वीं तो है सफिशियंट लो स्टैंडर्ड है ना, उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम है जिसके लास्ट 4 लाइन्स है, पोएम का नाम है
स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई नाइट। और इसके लाल लाइन पढ़ रहा हूं, बताइए जरा आप इसे किस किसने अपने सिलेबस में कभी पढ़ी है। बहुत प्यारी लाइन्स है, आप इसलिए बता रहा हूँ इन लाइन्स को कि आप बहुत जगह अपने जीएस में भी, अपने ऑप्शनल में भी, अपने एसए में इन लाइन्स को कोट कर सकते हैं। इतनी शानदार लाइन्स हैं ये, और इसमें ऐसे भी लिखने में आ ही सकता है, हो सकता है कभी बीच में पहले आया भी हो। ये इसकी पोएम के लास्ट चार लाइन पढ़ रहा हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आप में से किसी ने ये पोएम पढ़ी है पहले? यस सर, सर फाइनल ईयर में था ग्रेजुएशन में। ओके गुड गुड। तो इस पोएम को आप में से जितने पढ़ा है वो भी मेरे ख्याल है एंजॉय कर रहे होंगे देखकर, जिन्होंने पहली बार देख रहे होंगे आपको भी अच्छी लग रही होगी, भले आप हिंदी मीडियम के हैं, दोनों के आते हैं एग्जाम में। ओरिजिनल कोड जिस लैंग्वेज का होता है, दूसरी लैंग्वेज में उसे हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, आपने देखा ही होगा है ना। तो यदि इस तरह का सपोज कोड आया, ये वाला स्पेशल लिखने के लिए आया, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, कितने आगे, दो लाइन आगे मान लीजिए। अब आपने पहले सब्जेक्ट समझ लिया, कीप क्लोजली टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझना कैसे है ये अभी बता दूं, मुझे डाउट ये है कि बाद में फिर आप लोग मेरा टाइम वेस्ट करोगे, बच्चे और शायद जुड़ जाएंगे, बोलोगे फिर से बोलो, फिर से बताइए सर, ऐसा होगा। फिर भी चलिए उनके लिए रिवाइव हो जाएगा, आपको बता देता हूँ, ये मतलब लाइक इम्पॉर्टेंट है और नेचुरली आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको फायदा मिलना चाहिए, थोड़ा एज मिलनी चाहिए बाकी लोगों से। आपको हर वर्ड की मीनिंग निकालनी है। वुड्स आर लवली, अब वुड्स की मीनिंग क्या होनी चाहिए यहां पर, लवली की मीनिंग क्या है, डार्क की मीनिंग क्या है, डीप की मीनिंग क्या है, प्रोमिसेस की मीनिंग क्या है, कई वर्ड्स की मीनिंग बिल्कुल नॉर्मल होगी, एक ही मीनिंग निकलती होगी, फिट हो जाएगी वहां पर, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर कुछ वर्ड्स की बहुत सारी मीनिंग्स निकलती होंगी, उसमें से वहां पर कौन सी मीनिंग निकल रही है, ये यदि याद हो आपको मैंने एथिक्स का पेपर जब समझाया था आपको, तो कोटेशन वाले क्वेश्चन में भी बताया था कुछ हद तक कि आपको कोटेशन की या फिलोसफिकल टॉपिक्स के ऐसे पेपर में हर वर्ड की मीनिंग पहले तो निकालनी है कि क्या क्या मीनिंग हो सकती है इसपे, और फिर उसमें से कौन से फिट हो रही है। अब इस एग्जाम्पल में बुट्स वर्ड जो है शुरू में ही, वुड्स आर लवली पहला वर्ड है, वुड्स आर लवली, तो वुड्स जो वर्ड है WOODS, समय आपको लाइन लिख देता हूं है ना, तो शायद आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। आप में से कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, कुछ हिंदी मीडियम के भी होंगे, रुकिए जरा। ये जो लाइंस हैं क्या आपको अपनी स्क्रीन में दिख रही हैं, ये बताइए जरा मुझे। जी सर। नो सर। नो सर। सर स्क्रीन शेयर ही नहीं है। हाँ एक मिनट रुकिए, वो चली गई थी दूसरे उस पे, तो मैं दोबारा इसको टाइप कर रहा हूँ, वेट फॉर अ मिनट।
हाँ अब मेरे कितने लग गई होगी आप लोगों को? स्क्रीन यस सर, दिख रही है। यस सर, रही है? ठीक है, कुछ जी साल सर, ओनली टास्क बचा है, प्रॉमिसेस बस इतना सा। ठीक है, अब इंसिडेंटली इसकी हिंदी क्या होनी चाहिए भाई? बहुत सारे बच्चे आप इसे हिंदी मीडियम के भी लेना बेटा, यस सर, क्योंकि मैं आपको कोशिश करता यस हूँ सर, कि आपको मैं उसकी हिंदी अभी इसमें भेज दूं तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा शायद। इसका ट्रांसलेट में बेटा यूज करते करते कर नहीं पा रहा हूँ, आप ऐसे कोई जल्दी से इसको गूगल ट्रांसलेट कर सकते, बता सकता है, भेज सकता है इसमें ये? क्योंकि शायद जूम करते करते कुछ दूसरा खुल नहीं दे रहा, नाराज हो रहा मेरे ऊपर बार बार। या आप क्या चेंज करते रहते जब देखो तब फिर से कई बार पहुंच गया, ऐसा बोल रहा है, नाराज हो रहा है। तो उसको कोई तो कि ये तो एक प्रॉब्लम सर, हो रही है थोड़ी सी। हाँ, हिंदी किसी ने बताएंगे? ट्रांसलेट किया? यस सर, जंगल हाँ हाँ गुड सुंदर, गुड, बताओ बेटा। जंगल सुंदर, गहरे और गहरे हैं, लेकिन मैं इसे बनाए रखने का वादा करूंगा। सर मतलब तो अच्छा, यही तो ये आया बहुत अच्छा उसमें। ट्रांसलेट नहीं। हाँ, यस मुस्कान सर, आपने कोशिश की, गुड, आई एम हैप्पी की थी, जल्दी आपने उसको वो किया, कोई बात नहीं। चलो गूगल में डाले हैं तो उसका ये बताया, मतलब ऊटपटांग वर्ड, मतलब जमा के नहीं बताया गया है इसका। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अच्छा, अपन वैसे बस इस पे टाइम पे ज्यादा नहीं करते, म्यूट कर लीजिए अपने आप को आप लोग। देखो, वुड्स आर लवली, अब वुड्स जब वर्ड दिया हुआ है तो इसकी बहुत सारी मीनिंग हो सकती हैं। वुड्स की जंगल हो सकता है, पेड़ हो सकता है, जो हम लकड़ी चीरते हैं ना वो वाली लकड़ी भी हो सकती है। लकड़ी, पेड़, जंगल, तीन मीनिंग निकल सकती हैं वुड्स की। ठीक है, अब तो तीन मीनिंग निकली और आपने आगे पढ़ा लवली, डार्क एंड डीप, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा डार्क और डीप, लकड़ी चीरने वाली लकड़ी, काटने वाली लकड़ी तो होगी नहीं ना, एक अकेला पेड़ डीप जाएगा, गहरा होगा, है ना? तो आप इससे निकाल सकते हैं कि जंगल ही होगी इसकी मीनिंग। इस तरह से आपको एक एक वर्ड की मीनिंग निकालनी है, फिर आपको देखना है कि अच्छा क्या ओवरऑल कंटेक्स्ट में ये फिट हो रहा है, कि जंगल निकाला मीनिंग मैंने, अच्छा डार्क और डीप है पर मुझे प्रॉमिसेस पूरे करने हैं, अच्छा जंगल से क्या संबंध है प्रॉमिसेस का? ओके, जंगल को मैंने, एनवायरनमेंट को बचाए रखना है तो इसके लिए मेरी जिम्मेदारी क्या है? इतने प्यारे जंगल हैं, सुंदर हैं, लवली हैं, डीप है, ऐसे। तो यानी आप एक एक वर्ड की मीनिंग फिट करनी है ओवरऑल कंटेक्स्ट में, समझ आया ना? कि तीन मीनिंग निकल रही थी वर्ड्स की यहाँ पर, लकड़ी, पेड़ और जंगल, पर आपने बाकी के वर्ड से समझ लिया कि यहाँ पर लकड़ी और पेड़ फिट नहीं हो रहा है, भले वर्ड्स की मीनिंग तो वो भी होती है ना? ऐसे ही हिंदी में भी होगा, हिंदी का कोई कोट होगा यदि, उसमें भी जैसे मैं बोलूँ, एक एक बड़ा अच्छा सा कोट मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपके और पेपर भी काम आएगा ये। चलिए मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ जो आप अपनी कॉपी में से लिख सकें। अच्छा, सबसे पहले कौन इसकी मीनिंग बताएगा ये देखते हैं। ठीक है, भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार, ये आप लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन में, टाइप कर रहा हूं, दिख रहा है कि नहीं? गुड, यस सर, करिए विचार बहोरी, करिए लोक मत, साधु मत, नृप नय निगम निचोड़,
बताओ भाई इसकी मीनिंग कौन बताएगा, ये किस ग्रंथ से लिया गया होगा, तो गेस कर ही सकते हो, हिंदी मीडियम के अच्छे बच्चे हो हमारे, किस ग्रंथ से लिया गया होगा ये? अरे यस, काजल ने म्यूट किया, कुछ बोलना चाह रही है काजल? म्यूट कर लो, कुछ नहीं बोलना चाह रहे हो आप तो। ये किस ग्रंथ से सर लिया गया है? ये रामायण से है सर। रामायण रामायण गलत जवाब, ये रामायण से नहीं लिया गया है। अब बताइए भाई, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, यूं ही प्रेमचंद गटकने को मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही जवाब देना पड़ेगा, रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि सर, वाल्मीकि रामचरितमानस नहीं नहीं रामचरितमानस रामचरित सर, रामायण मानस से लिया वाल्मीकि जी गया। ने लिखी है और रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। रामचरितमानस वेरी गुड, इक्वन मुस्कान ने कहा, ये किसने कहा? सर। बहुत अच्छा, गुड नाइस। तो जब आपने रामायण कहा तभी समझ जाना चाहिए था कि रामायण तो लिखी गई है संस्कृत में, और ये तो अवधी है ना, खड़ी बोली तो नहीं है, अवधी है। तो ये रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी की है उसमें है, और ये जो ये क्या है, चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, क्या है ये? ये है दोहा, ठीक है, जिसे दोहा दोहा है अलग सर। अलग, हाँ वेरी गुड, ये अलग अलग तरह के काव्य के तरीके होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के, श्लोक होते हैं, चौपाइयां होती हैं, सोरठे होते हैं, ऐसे ही ये दोहा है। और ये दोहा आप ऐसे पेपर में, और यदि आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है, फिलोसफी लिया है, GS2 पेपर में, बहुत जगह आप इसको बड़े इंप्रेसिव ढंग से आप इसे यूज कर सकते हो, खास तौर से हिंदी मीडियम के बच्चे, और इनफैक्ट इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए, अब आप लोगों ने काफी कुछ बता दिया है, अब ये भी बता दो कि ये किस संदर्भ में है, ये कब किसने किसको कहा होगा, कब किसने किसको? तो मुस्कान बता रही थी, तो मुस्कान को बाद में मौका देते हैं, मुस्कान तब तक सोचो, और कौन बताएगा भाई, किसने किसको कब कहा ये? भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी, करिए लोक मत साधु मत, नृप नय निगम निचोड़। बताइए भाई। अच्छा चलो मुस्कान, आप ट्राई कर रहे हो कोई? अब मुस्कान तो गायब हो गई अचानक से, वीडियो ही बिचारी की चला गया, कोई बात नहीं। नो हाँ सर यस, है। हाँ देखो यही सब चीजें काम आएंगी, ऐसे वगैरह में आप कैसे सोच सकते हैं चीजों को, कितनी तरह से सोच पा रहे हैं, कैसे आइडियाज को आप अरेंज कर पा रहे हैं, यही सब चीजें नंबर दिलाएंगी। हमारा काम है हम बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी मछलियां पकड़ के दे दें, और एग्जाम में उसमें से एक भी मछली नहीं आई तो फिर आप दोष दोगे कि अरे सर ये तो फंसा नहीं, ये हुआ नहीं, हम आपकी कुल्हाड़ी की धार को तेज करके इस लायक बना देंगे कि कैसा भी जंगल मिल जाए, कैसा भी पेड़ मिल जाए, कितना भी कम टाइम मिले, आप उसको सफलतापूर्वक पेड़ को काट ही लेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग अपने सारे पेपर को जिस क्लास में मैं आपको लूंगा सब में हम बिल्कुल यही कोशिश करेंगे, ठीक रहेगा? एग्री हम सब इस तरीके से? हाँ बोलिए। सर इसमें लिखा भारत बिने सादर सुनिए, मतलब शायद जो भारत जी हैं शायद उनके उस मतलब बोला गया हो, ये शायद पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। करिए विचार बहोरी, करिए लोक मत, लोक मत मीन्स पब्लिक डिस्कशन जो होता है, उनका जो ओपिनियन जो रहता है। करिए लोक मत साधु मत, अपने निगम निचोरी मीन्स जो राजा रहते हैं उन्हें सबका देख के चलना पड़ता है, सबकी बात सुननी रहती है और उनके भले के लिए करना पड़ता है। शायद मुझे नहीं पता सर, इतना ही समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया,
भरत विनय श्री राम सर, सादर सुनील। हाँ बोले, कोई कोई बोल रहा था। बोलिए बोलिए। हाँ सर श्री राम जी ने भरत जी को बोला है ये बात जब वो जा रहे राम होंगे जी ने वनवास भरत के जी लिए, को बनवास के लिए जब बिल्कुल जा रहे होंगे बिल्कुल तो उनको रुकना रोकना चाहते होंगे उस टाइम। बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब आप मतलब मैं तरीका बता रहा हूं कैसे सीखना चाहिए। जैसे आपने कहा कि राम जी को कहा होगा, है ना, आप इससे तो स्पष्ट है कि कुछ किसी को कहा जा रहा है कि ऐसा करिए आप, भरत विनय सादर सुनिए। तो यदि राम जी कह रहे होंगे इस चीज को, तो फिर करेगा कौन? किसको कहा जा रहा है कि सुनिए भरत जी की बात? ऐसे अपने आप को करेक्ट करना है। पहले कहा था ना वुड्स आर लवली, हाँ उसकी तीन मीनिंग हो सकती हैं, पर यहाँ पर डीप कैसे होगा भाई? लकड़ी काटने वाली होगी, एक पेड़ डीप नहीं हो सकता, जंगल ही डीप होगा। ऐसे ही आपके मन में आया, अच्छा शायद राम जी ने भरत को कहा होगा, क्योंकि रामचरित मानस से है और वनवास उनवास गए थे तो भरत जी मिले होंगे। यहां तक आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आपको आगे स्ट्राइक करना चाहिए कि यदि राम जी ने कहा होगा तो भाई कौन सुनने वाला है भरत की बात, किसको सुना रहे हैं भरत जी? बताओ क्या चॉइस है। भरत जी नॉर्मली किसको सुनाएंगे? राम जी को सुनाएंगे ना, तो कहा तो गया होगा राम जी को कि भरत जी की विनती सुन लीजिए। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट से। क्लियर हूं यहां तक? समझ में आया भाई? पकड़ पा रहे हो आप मुझे? फिर से समझाऊं? इतना मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे आपको चीजों को जोड़ना है, ब्लंडर नहीं करने हैं। जीएस पेपर्स में, एथिक्स पेपर में या ऐसे में पेरीमीटर को पकड़ना है कि अच्छा पोएट या यूपीएससी हमसे ये चाह रही है, कहीं हमने मिस कर गया ना, तो हम बड़े खुश होके आते हैं, हमने ये लिख डाला वो लिख डाला, पता लगा कहीं की बात हमने कहीं जोड़ दी, है ना। तो ये काम से बचना है, इसके लिए सारी की सारी कवायद हो रही है। तो ये जो मैंने अभी बताया कि कैसे आप समझेंगे कि ये राम जी ने नहीं कहा होगा, राम जी को कहा गया होगा, क्या ये बात आप समझ पाए या दोबारा समझाओ? एक बार रिपीट कर दो सर। अच्छा ओके ठीक है, चलो मैं फिर से बताता हूँ। कोई आश्चर्य की बात नहीं, लाइक थोड़ा सा टफ टाइप की चीजें, अलग तरह की चीजें, पर ये आपके काम आएगी बहुत। देखिए आपने सब तो नॉर्मल है, ये खासतौर से हिंदी मीडियम के बच्चे जो नहीं भी हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हिंदी के कोर्स और संस्कृत के कोर्स बिल्कुल, आप यदि आप कोट करते हैं लिखते हैं एग्जाम में तो आपको वो एज देंगे। बाकी बच्चों से आपको एक अलग ज्यादा नंबर पाने का तरीका है ये, इसलिए हिंदी के कोर्स को नेलेक्ट मत कीजिए, उनकी उपेक्षा मत कीजिए, उनको सीखिए। तो भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी। अब इतना सुन के आप समझ गए कि अच्छा भरत जी थे रामचंद्र जी के भाई थे, और क्योंकि आप मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, मीनिंग क्या होगी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मीनिंग निकालने के लिए जितना अच्छे से आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझ पाएंगे, किसने कहा था, किस ग्रंथ से लिखा हुआ है, किस बारे में कहा गया होगा, तो उतने ही अच्छे से आप चीजों को जोड़ पाएंगे, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उतने अच्छे से आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, उतना ही आपके भटकने के चांसेस कम होंगे। ये क्लियर है? उतना ही आप चिड़िया की आंख को पकड़ पाएंगे, जितना आप एक एक वर्ड की सही मीनिंग निकाल पाएंगे, कॉन्टेक्स्ट देख पाएंगे, किसने किससे कब कहा ये समझ पाएंगे, किस पोएट से किस ग्रंथ से लिया गया है ये समझ पाएंगे। सब चीज नहीं कर पाएंगे आप, पर कोशिश करनी चाहिए। क्लियर है ये वाला पॉइंट? इतना यस सर, देर क्यों लगती है? चलो यस अब आगे सर, चलते हैं। अब आपने इसमें इतना समझ लिया कि चलो भरत विनय सादर सुनिए, मतलब भरत जी की विनती को सादर सुनिए। तो भरत जी की विनती को सुनने का काम भरत जी
तो मतलब इनफैक्ट पूरी रामचरितमानस में भरत का कंटेक्स्ट बिल्कुल सही बताया था आप में से जिसने, मुस्कान ने, उसने बताया था कि उस पे है कि वापस राम जी को लाना है वन से। तो ये कंटेक्स्ट बिल्कुल सही पकड़ लिया आप लोगों ने। नहीं भी पकड़ा है यदि बात है तो कोई ब्लंडर नहीं है, तब भी आप आगे देख सकते हैं। बट यदि पकड़ लिया है तो आपको समझ में आना चाहिए कि भरत की विनती नॉर्मली राम जी से ही होगी। राम जी को बोलेंगे वापस चलने के लिए, किसी और थोड़ी बोलेंगे। तो राम जी से जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि कोई और बोल रहा है कि भरत की विनती, हे राम जी सुन लीजिए अच्छे से। अब रामचंद्र जी को कौन इंसान है जो डायरेक्शन दे सके या सजेस्ट कर सके? देखिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार भाई थे, ये सब चीज मालूम होनी चाहिए आपको। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस में भी, सब चीजें बेसिक्स से ना क्लियर होने चाहिए। अब इनकी सीक्वेंस क्या थी भाई, भरत के बाद सबसे बड़े कौन थे चारों भाइयों में? भरत के, सॉरी, राम जी के बाद चारों भाइयों में सबसे बड़े भाई कौन थे? भरत भारत जी, बिल्कुल सही है ना। भले हम बोलते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, पर वो भरत जी सेकंड नंबर पे हैं। अब ऐसा कौन इंसान है जो राम जी को बोल पाए कि भरत की विनती सुनिए? भरत जी नेक्स्ट जो है वो तो इन्वॉल्व ही हो गए, लक्ष्मण शत्रुघ्न बहुत छोटे हैं, वो तो बोल नहीं पाएंगे। कौशल्या वगैरह जो है, दशरथ जी तो मर गए थे तब तक, वो पिक्चर में ही नहीं है बेचारे, ठीक है। कौशल्या वगैरह तो बहुत ही कम बोलती थी, कहाँ बोलती थी ज्यादा, है ना, पूरे इसमें कहाँ बोली है। अब कौन बच गया, किसने बोला होगा बताओ? सेनापति या फिर उनके उनके दरबार में जो साधु रहते गुरु बच होंगे। गए हैं सर, बस और वेरी गुरु जी। गुड, किसने हाँ कहा ये गुरु बच गए? किसने कहा ये अभी, जिसने भी कहा, चलिए गुड। जी सर, रिया। वशिष्ठ मुनि ने जो कुल गुरु थे उनके, वेरी गुड रिया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने रिया। कुल गुरु वशिष्ठ जी जगह पर आप कोट कर सकते हैं कि भाई प्रलोभनों से बचना है आपको, आसपास के वुड, आसपास के जंगल्स आपको लालच दे रहे हैं, डार्क एंड डीप है, आओ थोड़ा आराम कर लो, मुझे भी देखते चलो रहे हो तो, है ना। बट आई हैव अरे प्रॉमिसेस टू की, मुझे अपने वायदे निभाने हैं, मुझे चलते जाना है। अभी आगे की लाइन याद होगी आपको, देखो यही तो अंदर पड़ता है, जो वेल रेड बच्चा होता है, जो बहुत अच्छा पढ़ा होता है, या जल्दी एंटिसिपेट कर लेता है चीजें उसमें, और जो लकीर का फकीर होता है उसमें अंतर होता है। लकीर का फकीर सिर्फ शायद यही देख पाए कि एनवायरमेंट बचाना है, वुड से प्रॉमिस किया है आपने, जंगल बचाएंगे हम, यहां तक तो पहुंच जाएगा वो। पर जो आईएएस बनने वाला बंदा होगा ना, जो बंदा और आगे जाएगा, वो बंदा उसको यहां ले जाएगा कि भाई आसपास के जंगल कितने भी प्रलोभन दें, कितने भी लालच है हमारी जिंदगी में, बट मुझे अपने वायदे पूरे करने हैं। आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। हमें सोने के पहले, अपनी ये यात्रा पूरी करने के पहले मीलों चलना है, तब जाके मेरी ये यात्रा पूरी होगी। तो ये आप जहां भी, आपको डिस्ट्रैक्शंस की बात हो, लालच की बात हो, प्रलोभनों की बात हो, मंजिल को, गोल को अचीव करने की बात हो, जहां पर आप सोचिए, एक बंदा बस सिंपल आंसर लिख रहा है, दूसरा बंदा रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कोट कर रहा है, एग्जामिनर किससे इंप्रेस होगा? और एक बार आपने इंप्रेस कर दिया किसी भी अपने आंसर में, बस फिर उसके निशान एग्जामिनर के राइट 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 में जाएंगे, यार बंदा कमाल का है यार, यही तो ढूंढ रहे थे हम, कहाँ थे तुम, जल्दी आओ, आईएएस की एक सीट आपके लिए वेट कर रही है। आपको ये फीलिंग देनी है एग्जामिनर को, और हमारी और आपकी जो ये कवायदे चल रही हैं, जो ये डिस्कशंस चल रहे हैं, सारी की सारी इसके लिए नहीं है कि हम आपको मछलियां पकड़ाते चलें, ना, हम आपको मछली पकड़ना सिखाएंगे, आपकी कुल्हाड़ी की धार को तेज करके रहेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो हम मेहनत करने को तैयार हैं भाई, करेंगे मेहनत। यस सर, जल्दी आंसर यस आने चाहिए। यस सर, हाँ ठीक, यस सर। चलो आगे चलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी राम जी को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? कुल गुरु हैं, पूरे सूर्य वंश के गुरु हैं वो। भरत विनय सादर सुनिए। पहली बात तो ये कि सादर, भले आप बड़े हैं भरत से, पर प्यार से, रिस्पेक्ट से, इज्जत से, सम्मान देते हुए भरत जी की बात को सुनिए। चाहे सही हो चाहे गलत, ये बाद में देखेंगे, पर यदि कोई आपसे विनती कर रहा है, कोई आपसे कुछ कह रहा है, जब कल को आप आईएएस बन जाएंगे तो आप विनम्र रहिए। जितने पेड़ लगते हैं, पेड़ जिस फल, जितने फल लगते हैं जिस पेड़ में, वो पेड़ उतना ही झुक जाता है ना। तो आप इतने बड़े हैं, भगवान है, साक्षात ईश्वर हैं, तो भरत की विनय, हे राम जी सादर सुनिए। तो आप इसको कोट कर सकते हैं कहीं भी कि भाई पहली बात तो आधी प्रॉब्लम इसी सॉल्व हो जाती। अरे साहब ने मेरी बात सुनी। जब एथिक्स का केस स्टडीज देखेंगे आप, एथिक्स के केस स्टडीज या कोई भी कोर्ट ऐसे पेपर में या एथिक्स के कोर्ट में, जहां भी इस तरह की बात आए कि कुछ रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई कंटेंशन है कुछ, तो आप यहाँ कोट कर सकते हैं कि जैसा कि वशिष्ठ ऋषि ने, कुल गुरु वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को निर्देश दिया था कि भरत जी की बात सादर सुनिए, भरत विनय सादर सुनिए, इसी तरह सबसे पहले तो हम उसकी बात अच्छी तरह से सुनेंगे, जिससे उसे कम से कम ये संतोष हो जाए कि भाई मेरी बात सुनी गई, भरत विनय सादर सुनिए। फिर भाई इतने से काम नहीं चलेगा, अब आपको निर्णय लेना है। याद दिलाइएगा, बाद में हम आपको एथिक्स पेपर में, जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि कंटेंशंस हो, दो अलग अलग इंटरेस्ट हो, तो किस तरह से फॉर्मेट बना के कि भाई एकोमोडेट करना है, कि कंपीट करना है, कोलेबरेट करना है, कि निगोशिएट करना है, या अभी अवॉइड कर देना है, ये डिसीजन लेने का तरीका बताया अभी आपको। वैसे ही हम डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, चाहे वो एथिक्स के केस स्टडीज हो या आपके पॉलिटिकल वाले पेपर हो या इकोनॉमिक्स के पेपर हो, बहुत जगह आपको डिसीजन की जरूरत पड़ेगी, निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी। तो निर्णय कैसे लिए जाएंगे ये हम बाद में आपको हर्बर्ट साइमन का और कुछ अच्छे अच्छे मॉडल बताएंगे, पर जो नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे होंगे वो साइमन वगैरह के मॉडल कोट करेंगे और आप उससे एक स्टेप आगे जाएंगे कि भाई निर्णय ऐसे नहीं लिए जाते। निर्णय लेने के लिए पहली बात तो सादर सुनिए आप, तो उस पर विचार करिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, सोचिए उसने क्या कहा है, क्यों कहा है, चाहता क्या है, मतलब सुनने के बाद करिए विचार बहोरी। उनकी विनती सुनने के बाद यदि कोई भी केस स्टडी दी हुई है, कोई भी रिक्वेस्ट की गई है, कोई भी कंटेंशन दिया गया है, तो पहले तो समझिए उसको अच्छे से, सादर सुनने के बाद समझिए, उस पर विचार करिए, और फिर क्या करना है, करिए लोक मत। लोक मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या कहा हुआ है, लोक मत वही करिए जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो, अपना खुद का इंटरेस्ट मत देखिए, जो बोल रहा है सिर्फ उसका इंटरेस्ट मत देखिए, जो पीपुल एट लार्ज, जनता जनार्दन के इंटरेस्ट में हो, जिससे उनका भला हो रहा हो, करिए लोक मत वो करिए। तो सबसे पहली कसौटी निर्णय लेने की क्या हुई, लोक मत। जनता का इंटरेस्ट सर्वोपरि है, जनता की भलाई सर्वोपरि, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ये कहां से है, ये किसका पार्ट है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, प्रियम्बल का, प्रियम्बल प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, वेरी का। गुड, यस। तो करिए लोक मत, अगला क्या है, पर उतने काफी नहीं है, लोक मत तो आपको कंसीडर करना ही करना है, पर आप निर्णय लेने जा रहे हैं, आपको बड़े निर्णय लेने हैं, तो सादर सुनने के बाद, विचार करने के बाद, लोक मत के साथ साथ आपको साधु मत भी देखना है।
साधु मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन, मत यानी होता है ओपिनियन और साधु यानी एक्सपर्ट, बोलते हैं साधु मतलब वाइज पीपुल, साधु मतलब वाइज लोग। तो साधुओं की यानी वाइज लोगों की, भाई टेक्निकल चीज है, कोई आपको रोड बनाने का काम करना है तो आप क्या कलेक्टर है तो क्या हो गया, उस जिले का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जो सीपीडब्ल्यूडी का इंजीनियर है, साधु मत, उसकी टेक्निकल ओपिनियन भी आपको लेनी चाहिए कि भाई लोगों का भला तो है कि इस मोहल्ले से रोड निकल जाए तो अच्छा रहेगा। इंजीनियर साहब बताइए निकालें कि नहीं निकालें। इंजीनियर साहब ने बोल दिया कि सर इसका ग्राउंड लेवल बहुत नीचे है, यहाँ पे रोड बनाएंगे तो पानी स्टैग्नेट हो जाएगा और कुछ दिन में खराब हो जाएगी, यहाँ के बजाय हम यहाँ से रोड निकालें तो इस मोहल्ले के लोगों का भला भी हो जाएगा और रोड भी कुछ दिन चलेगी। क्या किया आपने, पहले सोचा लोक मत, फिर आपने साधु मत लिया, टेक्निकल ओपिनियन ली, एक्सपर्टाइज लिया। फिर क्या करना है आपको, नृप नय, नृप मतलब क्या होता है राजा, मतलब जो डिसीजन मेकर है, आप कलेक्टर साहब, भाई आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या बोलता है, नृप नय, आपके एज राजा, एज कलेक्टर, एज डिसीजन मेकर, आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए ये भी देखना है। ऐसा ना हो कि आप लोगों का भला तो करना चाह रहे थे, आपने वाइज ओपिनियन, टेक्निकल ओपिनियन भी ले ली, समझदार लोगों से राय भी ले ली, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, मीटिंग बुला ली, पर ऐसा ना हो कि कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा हो, कोई कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा हो, कोई ऐसा आदेश हो जो आपको ऐसा करने से रोकता हो, आपकी डेलीगेशन ऑफ पावर में, आपके अधिकार प्रत्यायोजन में वो चीज ना आती हो, फिर आप नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, लोक मत देखना है, साधु मत देखना है, और अपना नृत्य नए एक राजा की तरह, डिसीजन लेकर निर्णय लेने की तरह आपको क्या क्या चीज देखनी है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, किन चीजों से आप बंधे हुए हैं, आपको क्या करना चाहिए एज राजा, क्या नहीं करना चाहिए ये देखना है। और फिर क्या करना है, इतना ही काफी नहीं है, वशिष्ठ जी ने बहुत ही ज्ञान की कमाल की चीज बोली है जो आगे की आने वाली पीढ़ियों को एक लाइट हाउस की तरह गाइड करती रहेगी। निगम निचोड़ी, निगम होता है पुस्तकें, जो पुराण वेद पुराण जो है ये कहलाते हैं निगम, यानी इतने सारे लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो किताबों में, ग्रंथों में बंद है, उसका निचोड़ उतना आप नहीं पढ़ पाएंगे, अभी टाइम इतना नहीं है आपके पास, उसका क्रक्स, उसकी समरी, उसका जो निचोड़ है वो भी कंसिडर करिए कि इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर, इस प्रॉब्लम के बारे में किताबें, ग्रंथ क्या कहती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, तब जाके आप निर्णय ले पाएंगे। क्या करना है आपको, करिए जरूर, पर ऐसे ही मत कर बैठिए कुछ भी, सत्साह सुनिए, ग्रेसफुली, रेस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक आप सुनिए पूरी बात, बहुत सारी प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हो जाती हैं। फिर उस पर विचार करिए, अपनी अकल लगाइए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, फिर लोक मत देखिए, पब्लिक का भला किसमें है, जनता जनार्दन की राय क्या कहती है, जनता क्या चाहती है, किसमें उसका भला होगा, साधु मत, वाइज ओपिनियन लीजिए, टेक्निकल ओपिनियन लीजिए अच्छी, और नृप नय, आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या पावर्स हैं आपके, क्या अधिकार हैं, और फिर निगम निचोड़ी, बुक्स वगैरह जो है, जो पैसिव होती है, इससे लास्ट में लिखा हुआ है, ये जो बुक्स जनरलाइज होती हैं वो मुद्दे के हिसाब से नहीं होंगी, वो तो जनरल लिखी होंगी, तो निगम निचोड़ जो बुक्स वगैरह हैं उनका निचोड़ क्या कहता है, ये सब सुनकर आप ये सब कंसिडर करके आप निर्णय लीजिए। तो जहां भी डिसीजन की बात होगी, अभी हम एक अलग से इसका सेशन मिलेंगे रेफरेंस बुक रीडिंग का, वहां पर हम आपको ये सब चीजें बताएंगे छाट छाट के, छाट छाट के, कम टाइम में आप ऐसी चीजें याद कर ले, पूरी रामायण ना पढ़ पाए कोई बात नहीं, मुझे उसकी काम की चीज मालूम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हम पूरा नहीं पढ़ पाए, इंग्लिश लिटरेचर के हम स्टूडेंट नहीं रहे हैं, पर हम इतनी सी चार लाइन याद कर सकते हैं जो हम कहीं भी कोट कर देंगे और एग्जामिनर को फीलिंग देंगे, क्या कमाल का वेल रेड बनता है, क्या स्कॉलरली एटीट्यूड है, क्या लिखता है यार, बस ये फीलिंग आपके आ जाए बस, है ना, वापस चलें, ये समझ गए हम सब, यस सर, समझ में आया कि नहीं यस आया। सर, यस सर, यस सर,
जा रहा है डिस्कशन में, अच्छा लग रहा है सब यस सर यस। ओके चलिए, तो अब हम आगे आए कि राइट कंसाइजली शॉर्ट में, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, किसका कोट है ये, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये किसका कोटेशन है, गूगल बाबा की राय लेने मत लग जाइए, ये शेक्सपियर का कोट है, ठीक है। शेक्सपियर ने कहा था कि ब्रेविटी जो है वो समझदार लोगों की आत्मा है, यदि आपको कोई चीज कम वर्ड्स में एक्सप्रेस करनी हो तो बहुत मेहनत लगेगी, बहुत समझदार लोग ही कर पाएंगे, बड़ा बड़ा तो कोई भी लिख सकता है, इसलिए आप अपने वर्ड्स जो हो वो क्लियर लिखिए, आपके ऐसे में यूपीएससी बोलता है राइट कंसाइजली, कंसाइज फॉर्म में, कम वर्ड्स का उपयोग करके अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियर करके आपको एक्सप्रेशन देना है, आपको ऐसे एक्सप्रेशन यूज करना है जो कि कंसाइज हो, कम वर्ड्स में एक्सप्रेस हो, क्लियर दे पाए आपकी थॉट्स को, और इसी से मिलता जुलता आपका लास्ट पॉइंट है, यूज एफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, बिल्कुल एफेक्टिव और टू द पॉइंट बोले आप, जो इंटेंडेड इफेक्ट हो, यानी जो बोलना चाह रहे हैं आप उसकी सिर्फ और सिर्फ वही मीनिंग निकले, वही अर्थ निकले जो आप बोलना चाह रहे थे, चाह कर भी उसका कोई दूसरा अर्थ ना निकाल सके, ये है ऐसे पेपर की एज पर यूपीएससी चार रिक्वायरमेंट्स, इसकी डिटेल में चर्चा हम बाद में ऐसे डिस्कशन में करेंगे, पर मेरा यह प्रयास था कि आपको समझा पाऊं कि यूपीएससी ऐसे पेपर में आपसे चाहता क्या है, क्या हम इन चीजों को आज की समझ पाए अच्छे से। यस सर यस सर यस सर गुड। चलो एनी क्वेश्चन, जितना हमने आज पढ़ा इसमें से कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं। ये जो मैंने दो कोट दिए थे इस तरह बीच बीच में आपको मैं कोटेशन देता रहूंगा बीच बीच में, ये आपको कोटेशन और अच्छे अच्छे फ्रेजेस ये सब आपको लिखते जाना है, ये आपको काम आएंगे, यही चीजें आपको एस देंगी, बेसिक्स करने के बाद ये सब चीजें ही आपको दूसरों से आगे करेंगी, जो कॉम्पिटिशन में आपको अच्छे नंबर लाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो आई होप कि दोनों एक्सप्रेशन क्या आप सबको अच्छे समय में आ गए, वुड्स आर लवली भी और भरत विनेश आदर सुनिए। यस सर यस सर गुड। जब अगली क्लास में आएंगे तब तक यदि कुछ मतलब आपको नई चीज लगे या कुछ पूछना हो दोबारा रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी एक्सपेक्टेशन ये बड़े खुश रह के पढ़ो, बढ़िया अच्छे से एंजॉय करो, यूपीएससी थाना है, जब करना है तो जी जान लगा के करनी है, अच्छे से करना है, बिल्कुल मन लगा के, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास पे हम इस चीजों को और आगे बढ़ाएंगे, और मुझे लगता है छोटा सा ब्रेक है आपके लिए 8:30 बजे, फिर वापस इकट्ठे होंगे, आप सब वापस आ सकते हैं, भले ही इंटरव्यू के लिए क्लास होगी हमारी, पर इंटरव्यू में कैसे आपको अपने आप का अपना बेस्ट देना है ये यदि आप सीखेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीजें आप अपने पेपर्स के लिए भी सीखें, और इंटरव्यू में आगे जाओ तो पढ़नी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि आप सब इंटरव्यू में पहुंचने वाले हैं कि नहीं। यस सर यस सर बस इंटरव्यू की तैयारी में जुट जाइए आज से ही, थोड़ी देर में हम मिलते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, खाना पीना खा लीजिए, कुछ मस्ती कर लीजिए, थोड़ा बहुत घूम घाम आइए, और 8:30 पे वापस आइएगा, और हम अगली क्लास में यहाँ पर फिर से जुड़ेंगे। ओके थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक्स सर।